दोस्तों आज हम बताने वाले हैं, जैसा कि हमारा आपने थंबनेल देखा होगा, प्लास्टिक पेंट आप खुद से कैसे कर सकते हैं, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, अगर आपने अपना घर फिनिश करा लिया है, प्लास्टिक करा लिया, उसके बाद पुट्टी भी करा ली है, तो इसके बाद आपको बचता है कलर कराना। और अगर आप प्लास्टिक कलर कराते हैं तो वो परमानेंट होता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है आपका उसका टेक्सचर वगैरह, तो उसी को बताएंगे आप खुद इसे कैसे घर पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक रूम में अभी कराया है, तो मैंने उसी का लाइव वीडियो करके दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है और कितने में उसका प्राइस वगैरह पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ दोस्तों मैं बता दूँ, तीन स्टेप होते हैं। पहला कि अगर आपके रूम में पुट्टी ऑलरेडी है, इसके बाद का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पुट्टी को घिसाई करनी पड़ती है, दुकानों में रेगमाल मिलता है, पहले वो लेकर आए, पूरे रूम की घिसाई कर, इसमें जितने भी कण होते हैं वो सारे हट जाते हैं। इसके बाद जब आप घिसाई कर लें, सेकेंड स्टेप होता है, सबसे पहले आपको कलर चूज करना है, कौन सा कलर करवाना है। तो कलर आप खुद से भी बना सकते हैं घर पर, या आप दुकान से मशीन के द्वारा भी बनवा सकते हैं अगर कोई डिफरेंट कलर होता है। थर्ड स्टेप आपका होता है, आपको कलर बनाने के बाद करना होता है। तो ये सारी चीज़ें तीनों स्टेप डिस्कस करेंगे, तो बने रहें। और मैं आपको प्राइस वगैरह भी बताऊंगा कि मेरे यहाँ प्राइस क्या चलता है। मैंने 10x10 का रूम कराया है, तो लगभग 10 लीटर का प्लास्टिक पेंट आता है दोस्तों, नैरो लेक का मैंने मंगाया था, तो 10 लीटर का प्लास्टिक पेंट 900 रुपये का अप्रॉक्स पड़ा था, तो वो लाना होता है। और उसमें जो भी जिस टाइप का कलर करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, मस्टर्ड कलर करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, वो भी लाना पड़ता है। तो वो अगर 100 ग्राम डिब्बी की बात करें तो लगभग 65 रुपीज़ या 60 रुपये का पड़ता है नैरो लेक का। इसके बाद जो बाल्टी आती है 10 लीटर की, आप लें 20 लीटर की लें, जैसी भी लें, वो आप पर डिपेंड करता है। तो नैरो लेक की 10 लीटर की बाल्टी दोस्तों 900 रुपये की पड़ी मुझे प्लास्टिक पेंट की, और वो वाइट कलर का होता है, पेंट पूरा वाइट होता है। इसके बाद जिस भी कलर का आपको बनाना हो वो अपने कलर आप उसमें मिक्स करते जाएं और कलर बनता जाता है। तो चलो मैं लाइव करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक रूम है और इस रूम में एक अजय नाम का हमारा कारीगर है, और ये यहाँ पर कलर करने आया है। पुट्टी भी फिल किया था, तो पुट्टी ऑलरेडी पहले से है आपके इस रूम में। अगर आपको कलर करना है, प्लास्टिक कलर की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक पेंट की, तो प्लास्टिक पेंट आप कैसे करते हैं? सबसे पहले पुट्टी पर आपको रेग माल से घिसाई करनी पड़ती है, जिससे पुट्टी के जो भी दाने होते हैं जब आप पुट्टी कर रहे होते हैं वो सारे मिट जाते हैं। इस समय ये बंदा घिसाई कर रहा है, रेग माल से पुट्टी किया हुआ था ऑलरेडी है, और इसमें घिस रहा जो भी दाने हैं वो सारे मिट जाएंगे, तो पूरा फर्श जो भी दीवार है वॉल है वो चिकना हो जाएगा। इसके बाद इस पर कलर किया जाएगा। तो ये तो सबसे पहला स्टेप हो गया, और कलर करने से पहले आपको घिसाई करना, पुट्टी करना है तो आपको सबसे पहले घिसाई करवानी होगी अपने जहाँ पर भी आप कलर करवाना चाहते हैं, क्योंकि इससे सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे। इस रूम को आप देख रहे हैं, ये पूरा रूम है, और यहाँ पर मैं पहले घिसाई करा रहा हूँ, तो वाइट कलर की पुट्टी अब यहाँ घिसाई करने के बाद पूरा चिकना हो जाएगा, और इसके बाद आप इसमें पेंट कर सकते हैं। और मैं बताऊँगा आपको प्लास्टिक पेंट कैसे करना होता है, उसको कैसे बनाना होता है। आप मशीन से भी बनवा सकते हैं या आप हाथ से भी बनवा सकते हैं। तो इसी के विषय में आज हम पूरा वीडियो आज क्रिएट करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपको पुट्टी के ऊपर रेगमाल से घिसाई करवाना, तो घिसाई आपको हो रही है, जब ये घिसाई कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊंगा कि आपको कलर कैसे बनाना है, जो कलर आता है उसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जब आप घिसाई कर लेते हैं इसके बाद आपको कलर बनाने की आवश्यकता होती है, तो कलर बनाने के लिए सबसे पहले आप प्लास्टिक पेंट लेकर आएँ, जैसे कि ये बाल्टी में लेकर आया था, ये 10 लीटर की बाल्टी दोस्तों आती नैरो लेक की है, और ये 900 रुपए का यहाँ पर लिया था, तो ये वाइट कलर का टोटल पेंट आता है। इसमें फिर आप जिस भी कलर का मिलाना चाहें उस कलर का बना सकते हैं कलर, जैसे कि ये देखिएगा ये कलर बना रहा है पीला कलर का, तो यहाँ पर अलग अलग डिब्बी आती छोटी छोटी अलग अलग कैटेगरी की, जैसे कि येलो बना रहा है तो यहाँ पर उसी वाइट पेंट में आपको सपोज एक लीटर कलर बनाना है, तो जो आप डिस्टेम्पर की बाल्टी लाते हैं उससे आधा लीटर पेंट मिला लें और आधा लीटर पानी, और इसके बाद उसको मिक्स कर लें और उसी में जितना भी कलर आप डालना चाहें अपने अकॉर्डिंग उसे डाल लें, तो आपका यहाँ पर कलर बन के रेडी हो जाएगा। और कलर बनने के बाद फिर आपको वॉल में जिस भी कलर का करना हो आसानी से रोलर के माध्यम से कलर कर पाएंगे। और ये देखिएगा कलर बनकर तैयार हो रहा है, पहले वाइट था और इन्होंने पीला कलर डाला, तो अब ये हल्का हल्का पीला होना स्टार्ट हो गया है। इसको आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही बेहतरीन आपका कलर यहाँ पर रेडी होकर तैयार होगा। तो मैं जो वॉल पर पेंट कराने वाला हूँ वो पीले कलर का, तो आपको याद ये रखना है जब आपका पूरे घर में घिसाई करवा लें अपने रूम में, इसके बाद आपको बाल्टी लेकर आनी है अपने पेंट के। आप देख लेंगे, मैं बता दूँ ये 10
लीटर की दोस्तों बाल्टी मैं दिखा रहा हूँ नेहरो लेक की, और ये मेरे यहाँ 800-900 रुपये का दिया है नेहरो लेक का, सुरक्षा का देख सकते हैं। और मैं इस 10 लीटर की बाल्टी से आपको ये बता दूँ कि कितना आप एरिया कवर कर पाएंगे। तो मैं जो रूम आपको दिखा रहा हूँ वो 10x10 का रूम है, इसमें कि 4 वॉल है और एक छत भी मैंने वाइट ही रखा है। तो छत में मैंने वाइट कराया 10x10 के रूम में, और चारों वॉलों में 2 डिफरेंट कलर की वॉल हैं, ब्लू कलर की और 2 येलो कलर की करा रहा हूँ। तो 10 लीटर की बाल्टी ये आपकी पूरी लग जाती है, मतलब कि अगर आपको 10x10 का रूम करवाना है तो उसमें आपको पूरा जितना भी 10 लीटर आप लेकर आएंगे तो 10 लीटर आपका पेंट हो जाता है, 10 लीटर आपका पानी, दोनों को मिक्स करके आप चाहते हैं एक कलर क्रिएट कर लें, अगर डिफरेंट डिफरेंट करना चाहते तो आप अलग अलग कलर उसमें मिला लें, इसीलिए वो वाइट आता है पेंट। तो ये देखिए पीला कलर यहाँ पर बनाया जा रहा है, एज अ चंदन कलर बन जाएगा, जैसे चंदन होता हल्का पीला तो वही यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये प्रोसीजर होता है पेंट बनाने का। आप अगर आप चाहते हैं बाहर से बनवाना, मशीन भी होता है, आप मशीन से बनवा सकते हैं, अगर कोई डिफरेंट कलर बनवा सकते हैं तो वो आपको दुकानों पर मशीनें मिल जाएंगी, आप उस पर बनवा सकते हैं। तो ये देखिए जब पेंट पूरा बन चुका है, बना लूँगा मैं, जब पेंट किया कैसे जाता है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं पेंट ये क्रिएट कर लेता हूँ अपने मन मुताबिक का, जो भी हमें कलर क्रिएट करवाना है। तो दोस्तों जैसे आप कलर अपने मन मुताबिक बना लेते हैं, इसके बाद आपको पेंट करना स्टार्ट करना होता है। तो जिस वॉल पे जिस कलर का आपको पेंट करना हो वहाँ पर जाना है, और आपके पास रूलर और वगैरह बाल्टी में आप कलर लेकर चढ़ें, और इसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बस आपको ध्यान ये रखना होता है जब आप बॉर्डर क्रिएट करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, इसमें दूसरे कलर में वो मिक्स ना हो, और इसके बाद बहुत ही आसानी से आप कलर यहाँ पर कर पाते हैं। ये अभी बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, जिसमें चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट कर लो, और इसके बाद रोलर के माध्यम से बहुत आसानी से पूरा कलर कर पाएंगे। तो ये देखो आप देख पा रहे हो, इसी तरीके से आपके पूरे घर में आप खुद से भी कलर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप लेबर वगैरह लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये कलर जो बनते हैं दोस्तों, या मशीन से भी बनवा सकते हैं या अपने खुद से बना सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा कलर का प्रोसीजर होता है, अगर आपके अपने घर में खुद से कलर करना चाहते हैं किसी भी टाइप का पेंट वगैरह तो आप कर सकते हैं। मैंने पेंट कैसे बनाना होता है वो भी बता रखा आपको, और सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी। तो ये अभी सिर्फ बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, और अभी इसको रोलर के माध्यम से किया जाएगा तो बहुत ही आसानी से होगा। ऐसे ही देखिए ये वाली वॉल मैंने बताया हल्की ब्लू है, और ये ब्लू वॉल ऑलरेडी पहले से कर रखी है, आपको लाइट की वजह से ब्लू नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, लेकिन ये ब्लू है, और ये यहाँ पर येलो पीला कलर यहाँ पर किया जा रहा। तो दो डिफरेंट डिफरेंट कलर के अगर आप वॉल करवाते हैं तो आपका घर थोड़ा डिफरेंट लगता है और अच्छा लगता है। ये देखिए रोलर के माध्यम से भी कलर आप जल्दी से और सूटेबल और बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें कर पाते हैं। ब्रश से क्या होता है दोस्तों, लाइनें वगैरह बन जाती हैं, लेकिन रोलर के माध्यम से बहुत ही आसानी से और अच्छी क्वालिटी का पेंट बहुत ही कर पाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये, आपको तीनों स्टेप समझ गए हो, मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ रूम प्लास्टिक पेंट करने के बाद। जैसा कि मैंने रूम में 3 कलर किए हैं, वाइट, ब्लू और येलो, तीनों कलर करने के बाद रूम कैसा लगता है। हालांकि मैंने जो वीडियो शूट किया है दोस्तों काफ़ी नज़दीक से शूट किया है, तो आपको हो सकता है थोड़ा लगे कि चिकना नहीं हुआ है आपका सरफेस, लेकिन ऐसा नहीं है, बेहतरीन सा हुआ है पेंट दोस्तों। शूट मैंने बहुत ही पास से किया है DSLR से, इस वजह से सारी क्लियरिटी उसमें दिखती है, लेकिन आपकी आँखें उन्हें समझ नहीं पाएंगी। तो ये पूरा फाइनल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ये पूरा फाइनल है, ऐसे आपका बाद में लगने वाला होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपको इस वीडियो से प्लास्टिक पेंट करने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट किया, अगर आप किसी भी टाइप का घर व नक्शा बनवाना चाहते हैं, आप स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल किसी टाइप का नक्शा बनवाना चाहता तो आप हमारे कमेंट करें, या सॉरी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और केवल पेड यूज़र ही करें, केवल वो सर्विस पेड यूजर्स के लिए, आप पैसे देना पड़ेगा उसमें तभी मैं वहाँ पर क्रिएट करवाता हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।